इस बदलते हुए मौसम में आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले और आपको थकान कमजोरी से दूर भगाने वाले बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ मेवे और नारियल से हम लड्डू बनाएंगे जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, थकान कमजोरी को दूर भगाएगा और वायरल इन्फेक्शन से बचाने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये लड्डू हम बिना चीनी के बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों से लेके बड़े तक सभी ये लड्डू खा सकते हैं। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्राई कोकोनट लिया है, तो मैंने यहाँ पे एक पूरा गोला लिया था कोकोनट का, तो उसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो मैं ऐसे ही पहले ग्रेट कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, तो मैंने स्टॉप कर दिया और वीडियो बना के आपके साथ शेयर की है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से कोकोनट को ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन छोटा वाला आप ग्रेट करेंगे तो इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा लड्डू का। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको ग्रेट करके रेडी कर लिया है, तो करीबन एक बड़ा कप जितना होगा। तो इसे साइड में रख देंगे और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हैवी बॉटम पैन ले लिया है, तो उसमें मैंने एक टेबलस्पून घी डाल दिया है। तो घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, तो ये बहुत ही कम घी में बन जाता है लड्डू, तो आप ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही हेल्दी है। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें कुछ नट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आलमंड्स लिया है, कैश्यू लिया है और पिस्ता लिया है। तो इसको लो फ्लेम पे हमें लगातार इसको चलाना है, तो ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, ये जलने नहीं चाहिए। आप हाई फ्लेम करोगे तो ये जलता जाएगा। और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे वाइट तिल लिया है, तो उसको भी इसके साथ में ही भून लेंगे। तो नट्स हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है, तो आप यहाँ पे कोई भी नट्स डाल सकते हो, आपको जो भी पसंद है। आप यहाँ पे पंपकिन सीड्स ना डाल सकते हो, या फिर वाइट सीड्स आते हैं वो भी डाल सकते हो, कसकस डाल सकते हो। तो नट्स हमारे आप देख सकते हो कि अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब उसी के साथ में मैंने यहाँ पे जो कोकोनट को ग्रेट किया था वो भी इसमें डाल देंगे। तो कोकोनट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने में, तो इसको इसके साथ में ही भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि कोकोनट हमारा जल्दी से जलने लगता है, तो इससे आपका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो सकता है। तो आपको ध्यान यही रखना है इस पूरे लड्डू में कि गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे इसको नहीं चलाना है। तो आप देख सकते हो कि कोकोनट भी हमारा अच्छे से भून के रेडी हो गया है, तो इसे साइड में रख देते हैं और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ये लड्डू गुड़ से बना रही हूँ, तो मैंने एक पैन ले लिया है, तो उसमें 1 कप गुड़ डाल देंगे। तो करीबन 2 कप जितना हमारा ड्राई फ्रूट और कोकोनट था, तो उसके सामने मैं यहाँ पे 1 कप गुड़ ले रही हूँ। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे कोई भी तार की चाशनी नहीं रेडी करनी है, सिर्फ गुड़ को हमें मेल्ट करना है और पानी भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने 1/2 कप जितना ही इसमें पानी डाला है। तो गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने तक इस तरह से हम इसको चलाएंगे। तो आप देख सकते हो कि गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमने जो पहले पैन को साइड में रखा था वो ले लेंगे और लो फ्लेम पे फिर से हम इसको चलाएंगे। तो सिरप को हमने छान लिया है ताकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कचरा होगा तो वो निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स और नारियल जब तक कि पानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है तब तक हमें इसको चलाना है। तो करीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। तो गैस की फ्लेम को अब मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट तक लगातार इसको चलाएंगे, जब तक कि हमारा पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाता पूरा इसमें, तब तक हमें इसे चलाना है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जायफल डाल रही हूँ, तो जायफल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जायफल भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे जायफल डाला है और 1/2 टेबल स्पून जितना जिंजर पाउडर डाला है।
तो आपको जिंजर पाउडर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, या फिर इलायची का पाउडर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फ्लेवर के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। फिर से हम इसको इसी तरह से चलाएंगे, तो 2 से 3 मिनट वापस से हम इसको इस तरह से चलाएंगे जब तक कि पूरा पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है, ज़रूर से ट्राई करना। और अभी बच्चों की एग्ज़ाम भी चालू हो गई है, तो आप इसको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और हेल्थ को अच्छी करने के लिए लड्डू इसको खिला सकते हो, बहुत ही हेल्दी है। तो आप देख सकते हो इसमें पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मिश्रण को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये लड्डू हमें गरम गरम में बाइंड नहीं करना है, वरना ये बाइंड नहीं होगा। तो हल्का सा गरम गुनगुना है, उतना ही हमें ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम सारे लड्डू को बाइंड कर लेंगे और हाथ में थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि मिश्रण हाथों में चिपकेगा नहीं और अच्छे से लड्डू बाइंड हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के रेडी कर लेंगे और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लड्डू बहुत ही हेल्दी है, आप ज़रूर से एक बार से ट्राई करना, और बच्चे से लेके बड़े तक सभी को ये लड्डू बहुत ही पसंद आएगा। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी ये लड्डू की रेसिपी, और आप भी ज़रूर से ट्राई करना इस हेल्दी लड्डू को।